तकनीकी शोर से दूर कौन नहीं चाहता एक ऐसा घर जहां सुकून की चादर में लिपटी प्राकृतिक छटाएं हों, जहां पहाड़ उस चादर की सिलवटों से नजर आती हो, जहां रोज की हो अल्लाह से दूर हवाएं अपना किस्सा कहती हो। वैसे तो ये सब सुनकर आपके जहन में किसी दूर पहाड़ी का ख्याल आया होगा, पर इस बार हम आपको अपने बिहार के मिनी शिमला ले चलते हैं। चलिए आपको सिमुलतला ले चलते हैं। मैं अपने वीडियोस में एक पॉइंट हमेशा यूज़ करता हूँ और उस पॉइंट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सालों से बहुत जगहों पे जाने का प्लान कर रहा था। एग्जैक्टली लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला, इस वजह से क्योंकि लोकेशन का लिस्ट तो बना था लेकिन रिसर्च में काफ़ी टाइम लगा। उस रिसर्च में एक ऐसा जगह था जो एग्जैक्टली अभी है तो मेरे पीछे, पटना, मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। बस इतना जान लीजिए कि वो जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है और उसे एक समय में मेडिकल कैपिटल और या फिर मेडिकल हीलिंग कैपिटल बोला जाता था। रीज़न क्या था, उस दौरान लोग ऑलमोस्ट बंगाल झारखंड से यहाँ आते थे और अपने मेडिकल हीलिंग के लिए यहाँ काफ़ी दिन तक रुकते थे। 500 से भी ज़्यादा कोठियाँ बिहार में और ऐसी वैसी नहीं, बहुत नायाब। मैं बात कर रहा हूँ सिमुलतला की। तो बेसिकली इस जगह का नाम सिमुलतला है जो कि बिहार के जमुई स्थित ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया में है झारखंड और बंगाल के, और यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग बंगाल से ही हैं। आज के रेट में मोर देन 350 कोठियाँ एग्जिस्टिंग है जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। इस जगह को उस समय में मिनी शिमला का नाम दिया गया था, यानी कि इस जगह को शिमला का छोटा भाई एक तरीके से कह सकते हैं बोला जाता था। इसको उस ज़माने का मेडिकल कैपिटल भी बोला जाता था। और अगर मैं प्रोमिनेंट नेम्स की बात करूँ तो यहाँ दो बार स्वामी विवेकानंद अपने मेडिकल हीलिंग के लिए आ चुके हैं। इन कोठियों में शुमार बहुत इंपॉर्टेंट कोठियाँ हैं, जिसमें से एक कोठी जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया का था उस समय में, फिर क्वीन ऑफ ढाका का था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिटरली क्या बोलूँ, होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो सो बेटर इज यू सी द शॉर्ट्स एंड और क्या, एंजॉय। एक वेबसाइट simultala.com के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो यहाँ पे कहा जाता है कि न्यू थिएटर्स के जो मालिक थे श्री बी एन सरकार, उनकी भी बंगलो यहाँ पे थी। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में। और मतलब मुझे जब यहाँ पे आया तो कुछ लोगों से ना यहाँ पे मिला, उन्होंने बताया कि ये उस समय में बंगालियों का एक हॉलीडे होम कह सकते हैं और ए काइंड ऑफ मेडिकल हीलिंग एरिया हुआ करता था।
मेरा यहाँ पे ये तीसरा दिन है और मैं लिटरली कभी मतलब ऐसा कुछ बाकी वीडियोस की तरह यहाँ पे आपको झरने नहीं दिखेंगे, बाकी वीडियोस की तरह आपको ऊंचे पहाड़ नहीं दिखेंगे, वो वादियाँ नहीं दिखेंगी, वादियाँ हैं लेकिन उस तरीके की वादियाँ नहीं हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जैसा इस जगह के बारे में कहा जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ होल पैकेज जो आपको हीलिंग देता है, जो आपको बेसिकली कामनेस देता है, जो आपको कहा मुझे यहाँ के लोगों ने बोला था जब मैं यहाँ पानी मांगने आया था बॉटल वाली, तो उनका कहना था कि बॉटल्ड पानी मत पीजिए, अगर आप सिमुलतला आए हैं तो डेफिनेटली गो एंड ड्रिंक द ग्राउंड वाटर। और मैं दो दिन से बहुत ज़्यादा हैवी स्टमक पेन से गुजर रहा था एंड लिटरली यहाँ का पानी क्या काम किया क्या नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, बट मेरे पेट का दर्द लिटरली ख़त्म हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहा जाता है कि सिमुलतला इज़ फेमस फॉर लेज़ी वॉक्स, यानी कि आप पठारों पे चल सकते हैं, आप पहाड़ों पे एक छोटा वॉक ले सकते हैं, नदियों के किनारे चल सकते हैं, जंगलों में चल सकते हैं, इन कोठियों को देख सकते हैं। तो इट्स ऑल इन वन लिटरली ग्रेट पैकेज। वैसे आपको वो एडवेंचर एक्टिविटी वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ज़बरदस्त चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इतिहास, जो यहाँ की वो इमारतों की खूबसूरती है, जो यहाँ की हवेली है, इट टेक्स बैक यू इनटू द टाइम जो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये महल नालडोगा राज कहा जाता है उस समय का, जो बेसिकली आज के डेट में बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ के राजा का था। और कहा यह भी जाता है कि ये उस समय उनका मूल निवास था। और इसकी हालत आप देख सकते हैं, हम बिहारियों की आदत है, हम अपने इतिहास पे बहुत गर्व करते हैं और अपने इतिहास के बारे में हर जगह बखान करते हैं, लेकिन सच्चाई जब हम वर्तमान पे आते हैं तो इतिहास की हालत ऐसी है, छत गिर गया, दीवारों पे नाम लिखा है, गंदगी का अंबार है और पेड़ बगार झाड़ जम चुके हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे शॉट दिखाता हूँ, ये जगह किसी फिल्म सेट से कम नहीं है। हमने फिल्मों में देखा है कि एक बड़ा महल होता है पहाड़ के बीच में, उसके आसपास कुछ नहीं, उस महल की खूबसूरती आँखों को इतना सुकून देती है कि लगता है कि बस कभी मैं उसमें रहूँ, उसमें घूमूँ, उसको देखूँ। मैंने इंटरनेट पर इस पर इसके कई फ़ोटो देखे थे और उस दौरान मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो सारी खुशी शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अब इसे क्या कहा जाए क्या नहीं, मुझे नहीं पता, ये सरकार की नाकामी है या फिर इसके जो ख़राब समय चल रहा था जमुई का वो है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज के डेट में ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन सच बताऊँ, सिमुलतला में इतना पोटेंशियल है कि आज भी जैसे हम कोठियों का शहर इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि 350 कोठियाँ आज भी एग्जिस्टिंग है, लोग यहाँ रहते हैं और आप उनके शॉट्स यहाँ देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, पटना से ओनली 250 किलोमीटर्स की दूरी पे रोड्स आर रियली ऑसम, बीच में नागी नक्टी डैम है जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं। सिमुलतला के आने के दौरान वो जो पहाड़ियाँ हैं, वो जो नदियाँ हैं, वो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आने से पहले मेरे मन में भी एक संदेह था कि नक्सलिज्म एक समय बहुत पीक पे था यहाँ पे, आने के पहले बहुत सोच विचार किया कि क्या होगा क्या नहीं। जब आया, लोकल से मिला, लोकल से बातें हुई, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने नकारा नहीं कि नक्सलिज्म नहीं था, लेकिन आज चीज़ें काफ़ी हद तक बदल रही हैं, लोग बहुत वेलकमिंग हैं, खाना होटल्स बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं, बट जो भी है बहुत बेस्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं और आपके सारे की सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं। तो आई वुड से सब जगह घूमिए, बिहार ज़रूर घूमिए।